सारी महरूमियों से उसके अंदर कमी है, उसकी बेसिक वजह याद रखें, जब किसी भी मंजिल को पाने के लिए या किसी भी जगह जाने के लिए रास्ता बनाया करदार अदा करता है तो यूनियन काउंसिल को मांग के अंदर एक वो वाला रास्ता जिसे डिफेंस रोड का नाम दिया जाता है, यानी हमारी जो रोड जो हमारे लोगों के दरमियान, हमारे सियासियों के दरमियान और हमारे एहतबाद हत्या के कश्मीर तक इस रोड का बड़ा करदार है। तो अपने खुदा को आजर नजर जानकर उस समेत जो तमाम अहबाब अपने दिल में आप रख के ये बात करें कि ये रोड हमें किस सियासी ने दी। दूसरे सवाल, अल्लाह के नजदीक यूनियन काउंसिल को मांग के अंदर बिजली की सहूलत अल्लाह के नजदीक उन्हीं बुनियादों पे आई जिस तरह बाकी यूनियन काउंसिल के अंदर आई, लेकिन मैं समझता हूं कि यूनियन काउंसिल को मांग के अंदर अगर बिजली आज तमाम लोग उस समय जला रहे हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आए। दूसरी चीज इंफरादियत शेयर करना चाह रहा हूं, आप देख सकते हैं कि स्टेज की कुर्सियां खाली हैं। फिर ये जो मुहिम चली हुई है, ये जो मुतालबा है, इसमें भी इंफरादियत है। लोग कहते हैं कि लोग तो मर जाते हैं लेकिन वो कहते हैं वोट उसका जिसके पास बला, या वोट उसका जिसके पास शेर, वोट शेर और बल्ले का। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अनहोनी है, जैसे ये आपको अनहोनी लग रही है। तो मेरा ख्याल है कि यही असल है हमारी, ये इस पैगाम की सच्चाई है कि आप जब वो बैटल रसल एक रशियन सॉरी ब्रिटिश लीडर था और बरतानिया ने पूरी सदी उसके नाम मंसूब की, तो बैटल रसल का ये कहना था कि व्हेन यू आर आउट टू रिफॉर्म अ नेशन द बिगेस्ट ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम द पीपल हुम यू आर टू रिफॉर्म, कि जब आप किसी कौम की भलाई के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहली ऑपोजिशन वहां से आती है कि जिसको उनकी भलाई के लिए आप कोशिश करते हैं। और मैं इनको सलाम पेश करता हूं। दोस्तों पहली बात यह कि हम हमारा तलक इलाका पहाड़ से है और इन पांच यूनियन काउंसिलों को पिछले 25 साल से मैं भी सियासी लोगों को देखता हूँ, बैठता हूँ, मुझे तस्वीरें या पिक्चरें बनाने का ज़्यादा शौक नहीं है, मैं नहीं बनाता हूँ, एक आम सा मजदूर लोगों का लीडर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से मेरे इलाका पहाड़ के लोग भी हैं, कश्मीर में भी है, कश्मीरी के भी हैं, पंजाब के भी हैं, उनको लीड कर रहे हैं। तो हमने अपना हक जो है वो लिया कि जब हम आए तो उस वक्त जो एक आम आटे की बोरी थी वो 24 रुपए की थी और साथ ही नई गवर्नमेंट के आने के साथ उसे जंप किया और वो बोरी चली गई 7000 रुपए में। तो उसकी तलाशों से गैस के बिल वो बड़े, लेकिन हम लोगों ने नान रोटी का काम करने वाले ने अपना हक छीन लिया है। ये बात करने का मकसद ये है, पटन, कुकमंग, बोरी, दलोला, ये जो 5 विषय रखी हुई है इनको भी अपना हक छीन के लेना पड़ेगा। जब तक बच्चा होगा नहीं है ना तो मां भी नहीं रहती भाई। हमारे भाई बात कैसे लोग थे, क्या आया कुकमंग, पटन, बोरी, दलोला, नंबर के लोगों ने हमारे भाव याद में इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? इस मुल्क में हमारा कोई हक नहीं है क्यों भाई? जिस तरह बाकी लोगों ने, बाकी लोगों ने, बाकी हिस्सों में नजारा की बात करूंगा, अपनी जान के नजारे पेश किए, अपने सरकार की वासी लगाई, जिस तरह कुकमंग, पटन, बोरी, दलोला, नंबर के लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला उसमें। तो लिहाजा मेरी आम लोगों से ये दरख्वास्त है कि हक और सच के साथ खड़े हो जाए, असत पे डट जाए, मुनाफत से दूर रहे। तो मैं नहीं समझता कि ये आने वाला इलेक्शन आप पर सर क्या कि जो हम कहते हैं कि हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हमने आजादी ले ली है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, ना रोटी के काम से मेरा अलग है, लेकिन जो चीज मैंने देखा है कि हम लोग से नहीं गुरा हमें पार्लियामेंट मस्जिद से वापस कर दिया जाता था कि आज एमपीए साहब नहीं है, एमएलए साहब नहीं,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीडिया का है। आपने हर हल्के अब आपके बासी होने का सबूत दे रहा है, हर हल्के में अवामी सर्वे करवाया जाएगा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, मीडिया के हमारे जो बैठे हुए हैं माशा अल्लाह साथ बादशाह बहुत हमेशा तामन करते हैं और बड़ा काम भी आज भी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं इनको पास टाइम का बताया हुआ था उससे ऊपर टाइम हो गया है, ज़्यादा जो है मैं टाइम भी दूंगा। मैं तमाम दोस्तों आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी बातें सब हो ही चुकी हैं तकरीबन, तो बार बार जो ना मैं भी जो टाइम ज़्यादा कर दिया, तो बात यह है कि जो माथुर महमूद साहब ने सब साथियों ने बात की है, पौधा उन्होंने लगाया है और हमारे ये मास्टर और देव साहब भी बैठे हुए हैं, सर शेर साहब बैठे हैं पटन से, मास्टर महमूद साहब हैं अभी सब हमारे बहुत सारे टीचर लगाए हुए बैठे हुए हैं, तो इनके ये जो पौधे लगा हुआ जी हमारे महमूद साहब का, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब ने मिलकर इसकी हिफाजत कर ली है और इसको जो ना हम इसकी जड़ें मजबूत करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको कभी। असल मसला यह है कि मीडिया के तरफ से मैं साथियों का अपील से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहां मुख्तलिफ पार्टी से इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी अपनी पोजिशन को बाले ताक रखते हुए इस बार मजदूर होने